और उत्तर प्रदेश के मऊ स्थित दोहरी घाट के सरयू तट पर स्थित अंतर्राष्ट्रीय मातेश्वरी महाधाम की ओर से चल रहे 9 दिवसीय पंचम अश्वमेघ महायज्ञ के महायोजन को लेकर के क्षेत्र का माहौल भक्तिमय बना हुआ है। आयोजन के तीसरे दिन लगभग लाखों की संख्या में भक्तों ने यज्ञ कुंड की परिक्रमा की। इस महायज्ञ में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों के अलावा दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड के साथ साथ थाईलैंड, कंबोडिया आदि देशों से श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। वहीं इस महाआयोजन में श्रद्धालु यज्ञ में शामिल होने के साथ साथ सद्गुरु महाराज जी की ओजस्वी वाणी सुनकर धन्य हो रहे हैं। इस दौरान 5 वर्षीय आचार्य बालेश्वरानंद जी महाराज ने सद्गुरु महाराज की एक स्केच तस्वीर भेंट की तथा उपस्थित श्रोतागणों को आरती मंत्र भी सुनाया। वहीं कथा पाठ के तीसरे दिन श्रद्धालुओं को सद्गुरु महाराज ने बताया कि संतुष्टि में ही परम सुख है। आज के जमाने में लोगों को पाने की लालसा कभी खत्म नहीं होती। और एक बात हमेशा याद रखें कि संसार आपको धोखा दे सकता है, पर आपका सत्कर्म और विश्वास कभी भी धोखा नहीं दे सकता। इसी के साथ ही उन्होंने जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म का विस्तार से वर्णन किया। सद्गुरु महाराज ने कहा कि जन्म या मृत्यु जैसा कुछ नहीं होता। जिस तरह स्वप्न देखने के बाद आए नए अनुभवों के साथ जागते हैं, उसी तरह मृत्यु के बाद दूसरा शरीर मिल जाता है। बस दिव्यात्माएं वही गति हम सब की है, जिसके पास पेनी नहीं है कितना मिल जाए कम। आज जब संतोष की पेनी मिल जाती है तो वह सही बोलता है, संसार में कोई काम नहीं आएगा, आपका सत्कर्म और विश्वास ही आपके काम आएगा। दुनिया धोखा दे सकता है, संसार धोखा दे सकता है, अपने दगा कर सकते हैं, लेकिन सत्कर्म और विश्वास दो ऐसे हैं कि वह कभी धोखा नहीं देते और कभी साथ भी नहीं छोड़ते। और ऐसी अमूल्य चीज को आप भी मत छोड़िएगा, ठीक है ना। बरेश्वरानंद जी की वह वचन याद रखिएगा जो बोले हैं सर्वम नमामि, वो सर्वत्व को नमन करते रहिएगा जो बुद्धि रूप में जन जन के हृदय में और दिमाग में प्रवेश करके उससे अच्छा काम कराती है, उनका 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 अस्मरणता यादता कभी न छूटे। बोले साचे दरबार की। 5 वर्ष